हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गाइस एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ सनी कार एक्सेसरीज की तरफ से, और आज हमारे पास आई हुई है ऑल न्यू बलिनो 2022। और गाइस इसमें काफ़ी सारा काम यहाँ पे हमने करके दिया है, तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश भैया, जो कि हमें बताएंगे कि क्या हमने इस गाड़ी में करके दिया है। हेलो ब्रदर, तो भाई फ्रंट से स्टार्ट करते हैं हम कि हमने इसमें क्या क्या किया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए ग्रिल जो आती है वो ये ग्रिल आती है। तो गाइस कुछ इस तरह की ग्रिल आती है हमारी बेस मॉडल के अंदर, बिल्कुल प्लेन रहने वाली है, पूरा ब्लैक इसका रहता है। इसको हमने रिप्लेस जो किया है, या टॉप इसको रिप्लेस किया है इस ग्रिल के साथ। ये ओरिजिनल नेक्सा का ग्रिल है। इसमें देखिए आप क्रोमिंग की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है इसकी, और इसका लुक भी देखिए काफ़ी इनहेंस कर रहा है गाड़ी के फ्रंट को। गाइस देख सकते हैं ये वाली जो ग्रिल थी ना, एक बार दिखाना राकेश भैया, कुछ इस तरह की ग्रिल थी इसमें पहले जो बेस मॉडल से लग कर आई थी, और अब जो इसकी ग्रिल है ना कुछ इस तरह की रहने वाली है। देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। और साथ ही साथ जो 360 कैमरे का इंसर्ट दिया होता है ना, एक फूल दिया होता है, ये भी यहाँ पे गिवन है, तो यही बताता है हमें कि बिल्कुल जेन्युइन रहने वाली है नेक्सा की। तो इसके बाद रखे जो क्या करा हमने, इसके बाद हमने यहाँ पे इंस्टॉल की है मिंडा की फोग लाइट LED, जिसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त आ रही है, और मिंडा की ही रिले वायरिंग भी हमने इंस्टॉल करी है इसमें। अच्छा, तो ये हमारे फॉग लैंप्स रहने वाले हैं मिंडा के, जो कि हमने प्रॉपर कटिंग करके कराए। देख सकते हैं गाइस कुछ भी यहाँ पे अनइवन नहीं रहने वाला है, बिल्कुल सर्कल में कटिंग की गई है, और साथ में हमने मिंडा के फॉग लैंप्स यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं, और साथ ही साथ जो रिले वायरिंग हमारी रहने वाली है वो भी हमारी मिंडा की ही रहने वाली है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं था, तो यहाँ पे हमने प्लेन डोर वाइजर इंस्टॉल करी है, जिसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो काफ़ी इनहेंस कर रही है साइड प्रोफाइल को। गाइस काफ़ी प्रीमियम लुक आता है इन रेन वाइजर का, देख सकते हैं आप स्पोर्टी लुक में आ जाते हैं रेन वाइजर हमारे, कुछ इस तरह के रहने वाले देख सकते हैं, स्पोर्ट्स लाइन वाले रहने वाले, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक आती है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, बाकी रियर व्यू कैमरा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसका रिस्पॉन्स भी आपको मैं चेक कराऊंगा। ठीक है भैया, अंदर लेके चलो आप। तो यहाँ पे हमने जो इंस्टॉल की है सीट कवर इंस्टॉल की है, बकेट सीट कवर से ये इसमें हमने इंस्टॉल करी है। देख सकते हैं गाइस फुल बकेट सीट कवर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, साका लेदर के अंदर ये हमारे रहने वाले हैं, और फुल ब्लैक में रहने वाले हैं, है ना भैया, फुल ब्लैक में हमारे सीट कवर रहने वाले हैं। यहाँ पे हमने ओरिजिनल आर्मरेस्ट इंस्टॉल करी है, जो नेक्सा में ओरिजिनल करके देती है टॉप मॉडल में, वो वाली आर्मरेस्ट देख सकते हैं गाइस, ये हमारी आर्मरेस्ट रहने वाली है, बिल्कुल प्रॉपर रहने वाली है टॉप मॉडल वाली। और इसके लिए तो पूरा नीचे का हब चेंज होता है ना भैया? हाँ, ये सारी हब भी चेंज हुए हैं, ये पार्ट भी चेंज होता है, पीछे का एसी का जो वेंट होता है वो भी चेंज होता है। अच्छा, तो इसमें एसी वेंट भी लगा हुआ है। एक बार मैं आपको एसी वेंट दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा एसी वेंट रहने वाला है। तो एसी वेंट जो हमारा इसमें रहने वाला है ये वर्किंग है या नॉन वर्किंग है? नॉन वर्किंग है, अगर आप चाहते हैं कि वर्किंग कराना तो वो भी अवेलेबल है, वो भी हो सकता है। अच्छा, तो इसको हम वर्किंग करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है ना? चलो ठीक है, ये तो हमारा गाइस आर्मरेस्ट हो गया, जो कि हमारा स्लाइडेबल रहता है। एक बार भैया करके दिखा दो, ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट होता है, तो ये आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट आप कर सकते हैं, जितना आगे आपको हाथ रखना है उतना रख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा पॉकेट मिल जाता है, तो उस साइड से आगे मैं आपको एक बार सीट कवर दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे रहने वाले हैं। तो गाइस सीट कवर्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर हमारी बकेट फिटिंग रहने वाली है यहाँ पे, बिल्कुल एज टू एज बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग हुई है। एक बार रियर सीट्स की भी अगर बात करूँ तो रियर सीट्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, ट्रिपल हेडरेस्ट के साथ। और भैया ये स्टीयरिंग रैप की बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये स्टीयरिंग रैप जो है OEM स्टाइल में इंस्टॉल करी गई है, जिनकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, स्टिचिंग देख सकते हो, और ये काफी प्रॉपर होता है, इसके साथ आपका ग्रिप जो है ना वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो गाइस देख सकते हैं एज टू एज जो हमारी यहाँ पे फिटिंग रहने वाली है बिल्कुल प्रॉपर रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक में हमें देखने को मिल जाती है। और उसके बाद भैया एक बार एंड्रॉइड स्क्रीन पे आ जाते हैं, ये हमारा एंड्रॉइड स्ट्रीट रहने वाला, कौन सी ब्रांड का रहने वाला है कुछ बता दो। LMTech यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ब्रांडिंग LMTech की ये एंड्रॉइड स्क्रीन है, 32 में 2GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी है इसका। इसका रिस्पांस भी आप अगर चेक करें तो कर सकते हैं, यहाँ से काफी स्मूथ होता है, 4K स्क्रीन होता है इसकी, जो पिक्चर क्वालिटी होती है। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, एक बार देखना चाहेंगे 4K स्क्रीन का, क्लैरिटी तो काफी अच्छी है जो मैं सामने से देख पा रहा हूँ ना, देख सकते हैं आप बिल्कुल 4K क्लैरिटी, इतनी अच्छी क्लैरिटी मैंने एंड्रॉइड की नहीं देखी अभी तक। तो कुछ इस तरह का हमारा एंड्रॉइड सिस्टम रहने वाला है। भैया एक बार अगर रियर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा इसमें कौन सा लगाया है? HD मूविंग कैमरा इंस्टॉल करी हमने। अच्छा, तो अगर हम एक बार रिवर्स गियर में डाल के देख लेते हैं तो गाइस यहाँ पे क्लैरिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर क्लैरिटी आ रही है, ये किसी का फोन भी कनेक्टेड है इससे,
तो बिल्कुल प्रॉपर HD क्वालिटी आ रही है यहाँ पे हमारी। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा रियर कैमरा भी रहने वाला है, तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिस्टम की अगर बात करूँ तो अभी हमारी वीडियो जो हमने ऑन करी थी, देखिए मल्टी विंडोज में यहाँ पे खुली हुई है। तो कुछ इस तरह का हमारा एंड्रॉयड का भी रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो भैया ये तो हमारा स्टीरियो वगैरह हो गया, इसके बाद अगर स्पीकर्स कुछ लगाए इसमें? स्पीकर हमने इसमें स्पीकर इंस्टॉल करी है हरमन की। अच्छा, हरमन के यहाँ पे अल्फा सीरीज हमने इंस्टॉल करी है, कस्टमर का डिमांड था अल्फा सीरीज। अब बाकी आपको जो भी ब्रांड चाहिए स्पीकर में सारे अवेलेबल है अपने पास, लाइक JBL हो गया, पॉइनियर हो गया, इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद ब्लू पंक्ट हो गया, उसके बाद ऑडिशन का हो गया, ये सारे ब्रांड अपने पास अवेलेबल होता है। तो भाई जो भी आपको ब्रांड यहाँ पे स्पीकर के चाहिए वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेगा। एंड्रॉयड भी आप अगर देखेंगे तो हर एक एंड्रॉयड अवेलेबल मिलेगा आपको, जैसे कि आपको हाइपरसोनिक हो गया, ब्लू पंक्ट हो गया, निपोन हो गया, LM-TEC हो गया, मेगा सोनिक हो गया, क्विक सोनिक हो गया, जोटो हो गया, सारे एंड्रॉयड आपको अवेलेबल मिलेगा, वो भी काफ़ी जेन्युइन रेट पे मिलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो एंड्रॉयड तो मिलेगा ही, वो भी जेन्युइन रेट पे मिलेगा बिल्कुल। इसमें क्रेटा का हॉर्न भी इंस्टॉल किया है जो प्योर क्रेटा में लग के आती है, जिसका रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं गाड़ी लॉक होने पर भी साउंड की क्वालिटी दिख रही है। देख सकते हैं गाइस, आपको ज़्यादा अभी सुनाई नहीं दे पाएगा, लेकिन एक बार मैं अगर ट्राई करूँ एक बार शीशे ऑन करके, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा हॉर्न है, देख सकते हैं गाइस, लोग भी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो काफी अच्छा हॉर्न यहाँ पे हमारा रहने वाला है, क्रेटा हॉर्न कहते हैं इसको। तो भैया ये सारा हमारा काम रहने वाला था ना इसमें, तो भाई इसमें जो बेस्ट चीजें थी जैसे ग्रिल थी, जेन्युइन ये हमारा आर्मरेस्ट हो गया, तो सारी चीजें जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आपको जेन्युइन अवेलेबल मिल जाएगा सनिकार एक्सेसरीज पे। तो भैया एक बार लोकेशन बता दीजिए शॉप की, कहाँ पे आना पड़ेगा? लोकेशन ये हमारा है करोल बाग में, MCD पार्किंग ये रही अपोजिट साइड में, उसी के जस्ट फ्रंट में हमारी हमारा ये शॉप है। एंड ये कॉर्नर पे अगर जाएंगे आप तो ये होटल आनंद है यहाँ पे। बाकी अगर आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप भी बात कर सकते हैं दिए गए कॉन्टेक्ट पे और आ सकते हैं सनिकार एक्सेसरीज में कुछ ऐसा ही काम करवाने, अमेजिंग काम करवाने। देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ यहाँ पे सारा काम करके दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे आपको हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेंगी ऑन द स्पॉट, आप देख सकते हैं अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा ही अमेजिंग मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप भी आ सकते हैं सनिकार एक्सेसरीज करोल बाग के अंदर।